अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद और मैं आज रिएक्शन करने वाला हूँ बीबी की वाइंस की वीडियो पर। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये एक हनस्ट रिएक्शन होगा पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि आई एम अ पाकिस्तानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी नींद उड़ गई है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा हैन खो गया है, मुर्गा खो गया, अबे चैन खो गया, और क्या हो रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है। एक सेकंड, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, पेड़ वेड़ का मैच ये रहा, रफी टांग झूल जा। रुक यार, तेरी नींद उड़ गई है, तेरा चैन खो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या? तेरा चूतिया कट गया है क्या? प्यार करेंगे? फिर प्यार है, बकवास है मैच। अबे तुझे नहीं मिलता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई नहीं हिलता। देख देख देख, हवस मैच। पर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मेरी लव लाइफ बदलने वाली है। तेरी कर्क राशि है? ठरक राशि है। अबे कौन सी ठरक? एक बार भी नहीं हुआ, देखा, एक बार भी नहीं हुआ, एक ही चीज चल रही दिमाग में, सिर्फ जिस्म की भूखे पैच। अबे हुआ नहीं हुआ, हुआ हुआ हुआ। अबे छुआ कह रहा है, मैंने आज तक उसको टह नहीं किया, अब ये टह क्या है? अबे टह टह, टच टच, ओ टच, यही कंफ्यूजन उसके पास नहीं होता, वो मुझे फमकती है। क्या चूतिया? मेरी बातों को फमकती है, ही मेरी बातों को समझती है। क्या फमाज है, प्यार को खेल समझ के रखा है। मेरे को खेलना होगा तो विंजो पे लूडो ना खेलूं, हिंडे का बेस्ट गेमिंग ऐप है, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स खेलते हैं। वो मेरी क्वीन बनेगी, इससे अच्छा विंजो ऐप पे चेस ना खेलूं। प्यार कोई शतरंज नहीं है, इसीलिए इस पे 100 से ज्यादा गेम्स है। क्यूँ खामखा लड़ाई कर रहा है? अभी लड़ाई से ज्यादा है, इस पे वर्ल्ड वॉर गेम भी खेल सकते हैं, जहाँ हारने के बाद पैसे जीत सकते हैं। अभी ऐप डाउनलोड कर, 550 का वेलकम बोनस भी है और हर रेफरल पे 50 रुपए। ठीक है, मत दो मेरे पे ध्यान। अबे तू देश की गरीबी है क्या मैच? अच्छा चल, उसका नाम तो बता। देख 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 देख, कैसे शर्मा रहा है। उसका नाम नहीं ले सकता, क्यों? वोल्डेमॉर्ट है मैच, बता। नफर लग जाएगी उसको। अबे तेरी नजर पड़ गई है उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ? यार तुम लोग समझ नहीं रहे, उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ। क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या मैच? वो मुझे हर जगह दिखती है। उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है। अरे रुक ना यार, तू चुप रह। हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रैंकली हमें तुझसे ही उम्मीद ही नहीं थी। क्यों, मुझे प्यार करने का हक नहीं है? इसके प्यार का मतलब फक नहीं है? मैं इसके राटा मार दूंगा। अच्छा गलत बात है। He has a soft corner for her and a very hard center man. Kattari ko hard center. Kattari ko pe pari behan ko. Ye chup karo yaar. Tu naam bata. Khamir Buddhi. Abe apna nahi, uska naam bata. Who? Ladki ka naam. Who? Abe ladki ka naam, teri bandi. Oh my god, who? The girl you're talking about. What's her name? Angrezi ka choda. Abe motherboard, us ladki ka naam hai who? Oh, chu. Ye who nahi, normal who? 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 हाँ, H U, who? दो लेटर का नाम है H U। सच में गाड़ी में रखा कुत्ता बना दिया है, इतनी मुंडी हिलवा रहा है। और निकनेम क्या है? क्या अच्छा, ब्रश करने से पहले गलती से नाम मत ले लियो उसका। अच्छा वो सब छोड़, करती क्या है? होर है। ओए तमीज से बात कर ले, लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहा है? अबे मेरे दिल की होर है, चोर। वैसे वो पहले ट्रैवल एजेंसी में थी, वो मेरा जापान का वीजा लगवा देगी। तूने वो खबर नहीं पढ़ी? कौन सी? जापान में भड़वे अलाउड नहीं है। बताना कहाँ मिली? मिलना क्या है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। तूने तो बोला था ऊपर वाले अंकल ब्लाउज बनाते हैं मैच। अबे बैल बुद्धि, वो दर्जी है, उसकी बात नहीं कर। तू क्यों बीच में घुस रहा है? सबसे ज्यादा केक और चूतिया कटवाने का एक्सपीरियंस मेरा है बेंच, मैं तेरे को बता रहा हूँ। नया नया प्यार है, कुत्ता बीमार है, लड़की को बताने की हिम्मत होनी नहीं इसकी बेंच। रोज रात को मेरे घर पे पड़ा रहता है, कल रात को नींद में गाली लग रहा था मुझे। तुझे गलत फहमी है। कैसी गलत फहमी? कि मैं नींद में था, मेरे वाईफाई से उससे बतियाता रहता है, हर 10 मिनट में घर पे कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे, मेरे पैसे दे। भाई दोस्ती में पैसे कौन गिनता है यार, उसका घर बस रहा है। तो बसाए ना बैंचो, पर सरिया मेरे पिछवाड़े में से ना निकाले, ना फंड से। उफ़े मिलता जुलता फब्द है, लेगा? साला अपने ही घर में कोहली और गंभीर है। उस दिन मैं एक डेट पे था तो बंदी ने बोला बेबी घर चलो वाइन पीते हैं। मैं समझ गया कि आज थोड़ा चीनी होने वाला है, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि भाई 10 मिनट में फटाफट मेरे शहजादे के लिए शेरवानी लेके आ जा। तो कह रहा नुन्नू लैमिनेट करवा ले। मैं 10 मिनट में शेरवानी देने आऊं? क्या हूं मैं, ब्लिंकिट? अच्छा यार छोड़ो ना ये सब, तू बता ना लड़की मिली कहां? मार्केट में।
अंडे दे मार्केट जाया करो यार। क्या भोफड़ी वाला दुकानदार को अंडे वापस दे रही थी, उसने गलती से फाक की जगह 9 अंडे दे दिए थे तो वो लौटा रही थी। छान मुर्गी आए पता है उसके घर का नलका खराब हो गया था और कोई प्लम्बर भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसके बेडरूम का बल्ब फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसकी डाइनिंग टेबल की लकड़ी खराब हो गई थी और कोई कारपेंटर भी नहीं था तो तूने ठीक किया। तुझे कैसा पता? किया गया प्यार में यार, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है। हाँ हमारा तो प्रिंट आउट निकला था बैच में। प्रिंट आउट उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया, गाना गाया ना, It's been a long day without you my who and I'll tell you all about it जब दोबारा मिलूं। मिलो चार्ली मुट मार्ली मुट। मैंने उसके लिए एक फायरी भी लिखी है, सुनाओ। हाँ मतलब वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। तू मेरे साथ नॉर्थ कोरिया में रहे, कोई वहां तक आ ही नहीं सकता। तेरे हाथ और तेरे मुंह, बोलो बोलो, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा अपना दिल, क्योंकि तेरे बिना ये जीवन जिया जा ही नहीं सकता। सही है, थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंट है। छोड़, उसने क्या बोला? अभी उसको सुनाया कहाँ, आज जब होटल जाएंगे तब सुनाऊंगा। क्या बात कर रहा है, होटल कितना टाइम हो गया? 3:30। अबे तुम दोनों को आपस में कितना टाइम हो गया? ओ 8 दिन। 8 दिन में सीधा होटल? प्यार में अगर हो जाए पति हो तो फिर क्यों देखें गति। अरे तुम तीनों इधर हो? नहीं अंकल, हम तो नेपाल में, आप कहाँ? मैं दिल्ली में। अरे क्या दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, तो क्यों मजे ले रहा है? पापा समीर को वो हो गया है इस उम्र में। अंकल यही तो उम्र है, मेरे चाचा जी को तो 65 साल में जाके हुआ था। 65? हाँ, डॉक्टर को दिखा दे जल्दी। डॉक्टर क्यों? अरे बवासीर का इलाज डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कारपेंटर। बवासीर क्या? बुढ़ापे में घुटने और चूतड़ दोनों बोलने लगते हैं बेटा। पापा उसको प्यार हुआ है। हाँ। Oh, wow, really? Wow, I can't believe. मुबारक हो बेटा, एक आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में? के दिल की बंजर जमीन पर एक फूल खिल जाए। आय हाय हाय हाय, हाँ 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 हाँ। और 2 टाइम हिलाने की जगह मिल जाए। पापा आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहने आई हैं, बहुत भली हैं बेचारी, तो उनको इधर की चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके लिए एक गैस सिलेंडर बुक कर दे फटाफट। समीर बेटा, तू ये आंटी जी को उस दिन मार्केट से घर छोड़ाया था? हाँ अंकल। अंडे रखवा दिए थे फ्रिज में अच्छे से? हाँ जी। वो नलका टेबल और बल्ब ठीक करवा दिया था? हाँ जी। अंकल ये आंटी जी की उम्र क्या होगी? ऐसे औरतों की उम्र नहीं पूछते। खैर मैंने पूछी तो उन्होंने 56 बताई। अभी अभी रिटायर हुई है ट्रैवल एजेंसी से, सोच रहा हूँ सारी तत्काल की ट्रेन की टिकटें उन्हीं से करवाऊंगा। उनका नाम क्या है पापा? उनका नाम था। हेलो, हाँ हूँ। अरे बंदर हो क्या? हाँ क्या हुआ? पर आज तो हम होटल जाने वाले थे ना तुम्हारे मैनिक्योर के लिए। चीनी वाली मम्मी बेंच, शुगर मॉमी। हाँ बाबा, मैंने वो घुटने का तेल बेड के बगल में रख दिया है। हाँ जी, दांत वो बेसिन के ऊपर देखो। हाँ मैंने साफ करके रख दी ऑलरेडी। ओके अबे ओ तू पागल है क्या? 56 साल की लड़की भी क्या, आंटी है वो। तू 56 साल की आंटी के साथ प्यार में? तो क्या, 1 वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। अबे एज गैप, अबे 30 साल का गैप है वैंचो, ऐसा क्या पसंद आ गया उनमें? उनकी क्या वुल्फे हैं भाई, वो मिल्फे हैं। तू उनके सारे काम कर रहा है इसलिए वो तुझसे प्यार से बात कर रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी उनके घर आटा देने जाना है, तू उनसे आशीर्वाद ले और निकल। आशीर्वाद नहीं, वो दिनेश का आटा खाती है। वैंचो दिनेश कौन है? ए तू गप बस ना यार, तू ये सब रहने दे भाई, अपने उम्र की कोई आंटी लड़की ढूंढ। पर मैं उसका मितवा हूँ। तू उसका बिटवा है? जी जी जी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये हू आंटी जी का कॉल है, इनके लिए फटाफट एक रोमांटिक डिनर बुक करते, इनके पति आ रहे लंदन से। पति? डन पापा, डन 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 डन। साले तेरे को
पता नहीं था आंटी मैरिड है। नहीं, वो हमेशा कहती थी कि मर्द झाटू होते हैं, तो इसको लगा आंटी जी सिंगल हैं, और अगर मैं दूसरे मर्दों की तरह बिहेव नहीं करूंगा तो आंटी जी सिंगल से मिंगल हो जाएगी। हाँ यही था। एक अच्छी भली औरत का संसार उजाड़ने वाला था तू। अच्छा बेटा, तीन लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी बेटी भी आएगी। बेटी 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 बेटी, अरे वाह बेटा, चार लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी दोनों बेटी आ रही हैं। दो बेटी, पूरा फैमिली डिनर बुक कर दे बेटा, दोनों बेटियों के बच्चे भी आ रहे हैं। डन पापा, ऑलरेडी बुक। जिसको समझ रहे थे कोयल वो तोते निकले, ना जाने क्यों दिल लगाया उससे जिसके दो पोते निकले। ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर रिएक्शन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना।